है, अपने को अपना बैरक छोड़ के दूसरे बैरक में जाना पड़ेगा। इसके साथ रात को सोने में बहुत खतरा है यार। अबे क्या जादू कर दिया है उस लड़की ने तुझ पर? जादू वादू नहीं, हमारे करण साहब इश्क में पड़े। अरे वो पंगे मास्टर, भूल जाओ उस कयामत को। कमिश्नर की बेटी है, तेरे हाथों में हथकड़ियां लगवा देगी, समझा? आने तैयार हुआ या नहीं? यस सर। मैं जल्दी जल्दी प्लेट लगा, वरना इसके चक्कर में मर जाएंगे। जल्दी करो, अरे मार डालेगा ये किसी दिन। जल्दी जल्दी करो करण। तुम नजर आ रही हो, ये चक्कर क्या? बहुत गलत बात है, तू पागल में गिर डाली। अस करो, खाना अच्छा बना है। थैंक यू सर। कैसे अच्छा नहीं लगेगा सर, मसाला कूट कूट के अभी तक हमारे हाथ जल रहे हैं। अभी तो सिर्फ हाथ जले, आगे शायद। मैं समझ गया सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। सिट डाउन। खाना छोड़कर जाने का मतलब कानून नंबर 30 तोड़ना, उसकी सजा जानते हो तुम? सर आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं रुक सकता। स्टॉप इट। क्या हुआ सर? खाने में क्या मिलाया? ये मिलाया है, इन्हीं चारों ने खाने में कुछ गड़बड़ की है। ये देखिए सर, जुलाब की गोलियां। जुलाब? सर, सर हमें हमारी नई सजा तो सुनाते जाइए। नौजवान जल्दी बाहर, कैंप अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या कहा? 3 किलोमीटर दूर? जी हाँ, 3 किलोमीटर दूर। अबे 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 तो हमेशा गड़बड़ करता है यार। मैं और नहीं भाग सकता हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे कोई हेलीकॉप्टर, प्लेन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, टांगा, किसी का इंतजाम करो। कैसे दोस्त हो तुम लोग यार? ए, साइकिल चलेगी? मामला बड़ा रंगीन है। रंगीन नहीं, मामला बड़ा संगीन है। सबकी सब सर पर कफन बांध कर आई हैं। मुझे लगता है ये सब कफन हमारे लिए लाई हैं। अबे कुछ कहना है यार। देवियों, अगर आप हमारा रास्ता छोड़ दे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। आप लोग क्यों बच्चों आज हाथ जोड़ रहे हो? अरे वो कौन सा गाना था? पकड़ेंगे जो हाथ तो कभी हाथ ना छोड़ेंगे। आज हाथ नहीं पकड़ोगे? दिल तो बहुत कर रहा है जी, मगर फिलहाल मजबूरी है, कहीं जल्दी से पहुंचना है। कहीं जल्दी जाना है? तो जाओ ना। सचमुच जाओ? हाँ जाओ। सचमुच जाओ? जाओ। मुझे मालूम है, जाने नहीं देंगे। सचमुच जाओ? What the hell? सर, ऐसे क्या घूर रहे हो? ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। लड़कियाँ पटाने का बहुत पुराना स्टाइल है, कोई नया तरीका ढूंढ कर लाओ। सुनिए, कहीं आप कमिश्नर यशपाल साहब की बेटी दिव्या तो नहीं? अरे आप तो मुझे सच में जानते हैं। आपके डैडी और मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आपकी जिक्र हमेशा हमारे घर में होती रहती है। कितने ताज्जुब की बात है कि इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। एनीवे, माय नेम इज बाली और एनसीसी कैंप पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। अरे दिव्या चल भी, मेटर की डांट खानी है क्या? बाय बाली। बाय बाय। क्या बात है बाली, बड़े गौर से देख रहा है। बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन ये साली सर से पांव तक कयामत है कयामत। अब इस दिल को तब चैन मिलेगा जब ये इस दिल की रानी बन जाएगी। अबे ओ पंगे मास्टर, इतना सब होने के बावजूद भी तुझे चैन नहीं है? जो तू बंसवर के बाद फिर बैठने जा रहा है?
ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा करते मेरे दोस्त। और लड़की क्या समझती कि उसके उतारने से मेरे मोहब्बत का भूत उतर जाएगा? भूत तो ठीक है गुरु, मगर कहीं रास्ते में वो जीन मिल गया तो? तुम लोग उसे क्यों डरते हो यार? या तो वो सोया हुआ होगा या श्रीदेवी के ख्यालों में खोया हुआ होगा। डरते क्यों हो यार, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। मैंने बुड्ढा खुसर कहीं नहीं देखा। इतनी रात को मेरे बच्चे दजगर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा भाई जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे पीछे क्या गुल खिलाते हैं और मुझे किस नाम से बुलाते हैं। बुड्ढा खुसर लोगों ने सोचा होगा कि तुम्हारा मेजर आई एम लाठी इतनी रात को ठंड में अपने कमरे में बैठा हुआ किसी ख्यालों में खोया होगा या फिर सोया होगा। ऐसी कोई बात नहीं, नौजवानी में मैं भी कोई खास शरीफ नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शरारतें किया करता था। कैंप से बदमाशी करने के लिए रात को छुप छुप कर मैं भी भागा करता था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह पकड़ा नहीं जाता था। सर आपका मेजर आपकी तरह स्मार्ट नहीं होगा सर। वो तो है, प्लस मेरी तरह सख्त भी नहीं था। तुम लोगों ने कैंप के कायदे प्लस कानून तोड़े बिना नतीजा सोचे समझे? क्या हुआ सर? कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना? जी सर। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, है ना? जी सर। अब ऐसे में अगर किसी को इस खुले मैदान में सोना पड़ जाए वो भी बिना कपड़ों के, तो कितना मजा आए, है ना? खासकर अगर उसके पास न कंबल हो, न तकिया हो, न पेंट हो, न शर्ट हो, न ये मोटे मोटे ट्रैक सूट हो, बिल्कुल वैसी जैसे बच्चा पैदा होने के वक्त होता है ना। क्या हुआ मेरे लाल? सर आपकी बातें सुनके से ठंडी चढ़ रही है। ना ना मेरे बच्चे, इतनी जल्दी ठंडी चढ़ जाएगी तो ये पूरी रात कैसे बीतेगी? सर मेरा दोस्त मर जाएगा सर। नहीं नहीं अभी नहीं मरेगा, लेकिन सुबह तक जरूर मर जाएगा। तो मैं तुम लोगों के मरने का मेरा मतलब तुम लोगों के सोने का इंतजाम कर कर आता हूँ। तब तक तुम चारों अपने ये कपड़े उतारो और जमीन पर लेट जाओ। अबे कुछ कटे यार, जमीन तो क्या, अगर आप हमें बर्फ किसी पर लेटा देना हम उस पर हंसते हंसते लेट जाएंगे, मगर आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत करे ना उसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर हम आपके स्टूडेंट है सर, हमारा खून खोलता है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है? पास वाले गर्ल्स हॉस्टल की प्रिंसिपल। वो भला मेरी इज्जत क्यों लूटेगी? मेरी तो ना उससे हेलो है ना हाय है, ना जान है ना पहचान है, ना दुआ है ना सलाम है। मगर हमारे पास उसका पैगाम है। क्या सबूत? राजा सुना दे टेप रिकॉर्डर, मुझसे तो सुना नहीं जाएगा। कौन है वो बुढ़ा खड़ूस मिलिट्री के ऑफिसर का बच्चा? आई एम लाठी, मेरा बस चले तो मैं उसकी बंदूक लेकर उसी के सीने में गोली मार दूं। जब देखो तब कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। जब भी मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ तो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैक मार्च कम्बीना कुत्ता हरामी उसकी माँ। बंद करो ये टेप। खराबा तो अब होगा। बोला भाई सर, ये सबूत है उसकी बेइज्जती का। मैं इस औरत को कंधे पर उल्टा बिठा कर पूरे शहर के चक्कर कटवाऊंगा कल सुबह ही। कल सुबह क्यों सर, अभी क्यों नहीं? वो इसलिए कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजुर्बेकार, रात को औरत से झगड़े में कभी नहीं जीत सकता। तो लोग अपने अपने कमरे में जाओ, प्लस बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब देखना सुबह होती है तो क्या होता है। मैं पूछता हूं कहां है वो बदतमीज औरत जो लोगों को गालियां देती फिरती है? शट अप! कौन है आप और मेरे हॉस्टल में आकर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं? आपने मेरी इज्जत पर डायरेक्ट अटैक किया है, प्लस मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया है। मैं पूछता हूं आखिर अपने आप को समझती क्या है? आप अगर ज्यादा बकवास की ना तो घर पे इतने चप्पलें मारूंगी कि जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी निकल जाएंगे। लगता है पागल हर से भाग कर आया है। क्या कहा पागल? तुम नीचे आती हो या मैं ऊपर चढ़ूं? तुम्हें ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद नीचे आती हूँ। <आगा। laughs>
पानी क्या कर दिया आपने? जरा आराम से उतरती आप, तक पे आपके पाँव में बहुत जबरदस्त मोच आ गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी सुकून मिल रहा है। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके कंप्यूटर की प्रैक्टिस करो, जाओ। थैंक यू। लेकिन ये तो बताइए, आप मुझसे झगड़ा करने क्यों आए थे? लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि इसमें था कुछ और आया कुछ और। लगता है मेरे बच्चों ने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की है। कितने बच्चे हैं आपके? 200। नहीं, मेरा मतलब 200 स्टूडेंट्स हैं मेरे। वैसे तो मैं अभी तक कुंवारा हूँ। Really? Yeah. चले। I'm sorry. It's okay. तो मैं चलूँ? कल सुबह आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मेरा मतलब है, कल मेरी लड़कियों का कबड्डी का मैच है और मैं चाहती हूँ कि आप अगर वहाँ के गेस्ट चीफ गेस्ट बन जाए तो हमें सरम मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। आप बुलाएं और हम ना आएं, ऐसे तो हालात हो ही नहीं सकते। जरूर आऊंगा। आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझको? You are so handsome. कितने खूबसूरत हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। काश आपकी मुझे जरा बड़ी होती। ये मुझे भी चलेगी।